हेलो एवरीवन, कोमल्स किचन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके साथ में स्टफ परमल की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने यह चावल लिए हैं, इसकी स्किन को हमने रिमूव कर देना है। स्किन को रिमूव करने के बाद में हमने इसे बीच में कट करके इसके अंदर के जो बीज होते हैं उन्हें निकाल देना है। तो अब हम परवल के अंदर स्टफ करने के लिए मसाला तैयार करते हैं। स्टफ मसाले के लिए हमने एक बाउल में कूटा हुआ सिंग दाना लेना है। इसमें हम तेल ऐड करेंगे, सफ़ेद तेल आते हैं जो। धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। बेसन डालेंगे इसमें हम। शुगर ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। कटी हुई हरी धनिया ऐड करेंगे। अदरक और मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इन सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा खट्टापन लाने के लिए इसमें हम नींबू का रस ऐड करेंगे। मसाले की बाइंडिंग के लिए इसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे। तो परवल में स्टफ करने के लिए मसाला तैयार हो गया है। अब हमने एक कुकर लेना है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम परवल के अंदर जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो स्टफ कर लेंगे। और कुकर में अरेंज कर देंगे। सभी परवल को हमें इसी तरह से स्टफ करके कुकर में रख लेना है। तो सारे परवलों को भरकर हमने कुकर में अरेंज कर दिया है। अब जो मसाला था वो मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर कुकर के ढक्कन को बंद करके हम एक विसल लगने तक इसे पका लेंगे। तो लीजिए, भरवा परवल की सब्जी तैयार है। आप इसे रोटी, पराठे या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारी आज की रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।